कभी ऐसे सोचा है? पिंजरे में बंद एक पंछी जब खुला आसमान देखता है उसको कैसा महसूस होता है? हेलो। और जब वो पिंजरा खुल जाता है तब कैसे निकल पड़ता है एक तलाश पे, सुकून की तलाश पे? ऐसे ही दो पंछी, मैं और मेरा बड़ा भाई, निकल पड़े एक जगह की ओर जहां जाने के लिए हम बहुत दिनों से तड़स रहे थे। रात 1:30 बजे हम निकले दक्षिणेश्वर से और चल पड़े काले आसमान पे जगमगाते सितारे देखते हुए। हम पहले रुके शक्तिगढ़ पे, थोड़ा देर उधर रुक के हम सीधा निकल गए ये सोच के कि सीधा जाके पुरुलिया पे रुकेंगे। पर हमें तो रोक लिया सुबह के आसमान। पानागढ़ से थोड़ा आगे जाके ही हम देखे आजादी का सुबह, द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस। उधर रुक के कुछ फोटोज और वीडियोस लेने के बाद हम सीधा निकल गए आसनसोल की तरफ। ये सब के बाद हम सुबह पहुंचे आसनसोल और उधर से हम लेफ्ट लेके पकड़े पुरुलिया का रास्ता। रास्ते पे थोड़ा रुके थे चाय पीने के लिए, फिर हमारा घूमने का प्लान हमने सेट कर लिया। पहले हम घूमने गए जयचंडी हिल। ये वेस्ट बंगाल के पुरुलिया पे एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि इधर सत्यजीत रॉय की फेमस फिल्म हीरोक राजा देशे शूट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उधर जाते जाते हमारा एक्शन कैमरा का बैटरी खत्म हो गया था, इसलिए मैं ये फोटोज ही दे रहा हूँ। उसके बाद हम गए तेलकुपी। काफी लोगों को ये जगह पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ऑफबीट जगह है। रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के पास ये जगह दामोदर के बाजू में वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे है। इधर पहले भैरव का मंदिर था जो अब पानी में डूब चुका है। फिर हम गए गढ़ पंचकोट। ये जगह का एक हिस्ट्री है। 1740 से 1751 तक बर्गी आके बंगाल को लूटे थे। तब ये लोग नवाब अली वर्दी खान के महल को तोड़ दिए। तब से ये पांचेत हिल के नीचे एक हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है। हम लोग उधर थोड़ा बैठे थे, कैमरे को चार्ज कर लिए और थोड़ा शूट कर लिया। उधर थोड़ा ऑफ रोडिंग भी किए। उसके बाद निकल गए हमारे होटल की तरफ। हम लोगों का होटल था बोरोनदीते। रिसोर्ट का पोजीशनिंग बहुत मस्त था, बिल्कुल पहाड़ के पास और लेक के किनारे। उधर जाके जल्दी हम लोग फ्रेश होके लंच करके निकल गए लेक के पास वीडियोस और फोटोज लेने, और ताज़ी हवा तो उसके साथ था ही। और उस दिन का आसमान बहुत मस्त था, बादल तो भरा हुआ था पर बारिश नहीं हो रहा था। जो बारिश हुआ वो हुआ शाम के बाद।
चलो। अगले दिन हम सुबह निकले ब्रेकफास्ट करके और प्लान था पांचेत डैम जाएंगे, पर नसीब पे ये था, ये तो किसी को पता नहीं था। रात भर जो बारिश हुआ उस पे रास्ते पे इतना कीचड़ भर गया था कि हम दोनों का बाइक करीब तो करीब डूब ही गया था। बहुत कोशिश के करने के बाद हम निकले और सीधा चल पड़े पांचेत डैम। पांचेत डैम के आगे हम लोगों को फिर जाने नहीं दिया क्योंकि वो झारखंड बॉर्डर था। तो हम उधर फोटोज और वीडियोस लिए और फिर से निकल गए घर की तरफ। तो बस यही था हम लोगों का छोटा राइड। पंछी जितना भी आज़ाद हो शाम को तो घर लौटना ही पड़ता है, फिर वो इंतज़ार करता है एक नई सुबह के लिए। हम लोगों को भी इंतज़ार है एक अगली सुबह का, फिर नई जगह जो जाना है।